नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे चैनल राव नर्सिंग एकेडमी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट पर नॉरसेट के थ्रू जो एग्जाम लेने वाले हैं दिल्ली, उसके बारे में आप सभी को इन्फॉर्म कर दिया था सबसे पहले, लेकिन आज मैं आप सभी के लिए इस वीडियो में डिटेल वाइज बताने वाला हूँ कि एम्स जो वैकेंसी निकाली है करंट, वो नॉरसेट के थ्रू करवाने वाला है। इसमें 80-20 लागू रहेगा या नहीं रहेगा, ये सभी डिस्कस करने वाले हैं। क्या फायदा रहने वाला है नॉरसेट का, कितनी पोस्ट है, तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी नर्सिंग वैकेंसी अपडेट आप सबसे पहले पा सको। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, एम्स दिल्ली ने निकाला है एक न्यू वैकेंसी, काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी है सभी नर्सिंग कॉम्पिटिटर्स के लिए। चलिए इसमें देख लेते हैं नॉरसेट। नॉरसेट क्या है? नॉरसेट एक कॉमन टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिस बंदे ने, मतलब कि क्राइटेरिया सेट रहेगा, जैसे कि ओबीसी के लिए 45% लाना कंपलसरी है, तभी वो अपकमिंग वैकेंसी में एग्जाम्स में पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो कोई कैंडिडेट हो। हर कैटेगरी वाइज एम्स ने डिसाइड किया है कि भाई इतना परसेंट होना ही होना चाहिए, तभी आप अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी है उसमें एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले नॉरसेट की बात कर लेते हैं। नॉरसेट जैसे कि आरटेट था, उसी तरह एक नॉरसेट इन्होंने बनाया है, और यहाँ पे एक क्राइटेरिया बना दिया, फिक्स कर दिया है कि इस कैटेगरी वाले, जनरल कैटेगरी वाले को 50% मिनिमम चाहिए है, ओबीसी कैटेगरी वाले को 45% लाने जरूरी है। तो ये सब क्राइटेरिया एम्स ने डिसाइड किया है। अब बात कर लेते हैं नॉरसेट का क्या फायदा रहने वाला है। नॉरसेट का फायदा ये रहने वाला है साथियों कि अगर जिन कैंडिडेट्स ने नॉरसेट क्लियर नहीं किया, तो वो आने वाली जो अपकमिंग वैकेंसीज है नर्सिंग ऑफिसर वैकेंसी, उनमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये फायदा रहेगा। लेकिन इस वैकेंसी के अंदर जो सबसे बड़ी मिस्टेक हुई है, 80-20 वैकेंसी रेशियो लगा दिया गया है, जो कि पहले भी लगाया गया था, वो इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया गया है कम्प्लीटली। तो काफी बड़ी वैकेंसी वैसे तो। अब बात कर लेते क्वालिफिकेशन की, कितनी ग्रेड पर रहने वाला है। 4600 को ग्रेड पे, काफी अच्छा ग्रेड पर रहने वाला है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम एनी नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन, विद एनी नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकता है। जीएनएम कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है, बट 50 बेडेड हॉस्पिटल का मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। पोस्ट बेसिक कैंडिडेट्स की बात करें, वो भी एलिजिबल है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे एज 18-30 ईयर्स होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1500 रहने वाली है, एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपए फीस रहने वाली है। डिसेबिलिटीज, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए कोई फीस नहीं लगने वाली है। कैंडिडेट्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू भी फी पे कर सकता है। एक बार अगर फी सबमिट होगी तो वो रिफंड नहीं होगी किसी भी सरकमस्टांस के अंदर। अब बात कर लेते एग्जाम कब होने वाला है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है। तो यहाँ पे एग्जाम की बात करें तो 1 सितंबर को एग्जाम होने वाला है सीबीटी नॉरसेट, ट्यूसडे रहेगा। और यहाँ पे फॉर्म शुरू कर दिए गए 5 अगस्त से, और 18 अगस्त तक फॉर्म ऑनलाइन रहेंगे।
तो जल्दी से जल्दी अप्लाई करें और अपने पास में जो सेंटर है उसको लेने की कोशिश करें। उसके बाद लॉक भी हो सकते हैं अगर आप लेट हो गए तो। यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 5th of August to 18th of August 5 PM तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अदर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है द कैंडिडेट मस्ट एंश्योर दैट इमेज और फोटो सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन शुड बी एज पर गाइडलाइन मेंशन, यानी कि एम्स ने जो गाइडलाइन दी उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एज रिलैक्सेशन की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ डेट फॉर डिटरमाइन एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ एज कैंडिडेट लास्ट डेट 18th of August। और यहाँ पे जो बंदे ने एससी एसटी से बिलोंग करता हो, जनरल से अप्लाई कर दिया फॉर्म, तो वो किसी भी सरकमस्टांस के अंदर उसको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाला है। एससी एसटी कैंडिडेट्स को एज रिलैक्सेशन 5 years का मिलने वाला है, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 years का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है, पीडब्ल्यूडी और ओबीसी को 13 years का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कास्ट और कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग में एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है। इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि जो नॉन क्रीमी ओबीसी सर्टिफिकेट इश्यू फ्रॉम पीरियड 1/4/2020 से 31/3/2021 तक का ही वैलिड माना जाएगा, ठीक है ना। कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर ओबीसी कैटेगरी मस्ट प्रोड्यूस वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट ऑफ प्रोवाइडेड डीओपी। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं साथियों। इसमें 80-20 रेशियो लागू रहेगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं मेनली कितनी वैकेंसी, कौन से एम्स ने कितनी वैकेंसी निकाली, किसने नहीं निकाली वो मेंशन, जो कि अपकमिंग आ सकती है भविष्य में। तो भविष्य में एम्स बठिंडा की आ सकती वैकेंसी, एम्स भोपाल की आ सकती, क्योंकि इसमें ब्लैंक दे रखा है। दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है साथियों इस वैकेंसी का कि इसमें वैकेंसी जो पोस्ट है वो इंक्रीज भी हो सकती है। इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है कि यहाँ पे जो पोस्ट है वो बढ़ भी सकती है। तो यहाँ पे एम्स दिल्ली ने टोटल पोस्ट निकाली 597, जनरल कैटेगरी 270 पोस्ट है और ओबीसी की 154, ईडब्ल्यूएस की 59 पोस्ट है। ऐसे ही एम्स भुवनेश्वर जो कि 243 पोस्ट निकाली है, एम्स देवगढ़ 62 पोस्ट निकाली है, एम्स गोरखपुर ने 41 पोस्ट निकाली टोटल, एम्स जोधपुर ने 71 पोस्ट निकाली टोटल, सॉरी टोटल 176 और जनरल की 71, एम्स गोरखपुर ने टोटल 100 पोस्ट हैं, एम्स देवगढ़ ने 150 हैं, एम्स मंगलागिरी ने 140 पोस्ट निकाली टोटल। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर रखा है कि 80-20 रेशो लागू रहेगा। यहाँ पे नीचे देख सकते हैं एज पर डिसीजन इन फोर्थ मीटिंग ऑफ सीआईबी हेल्ड ऑन 27 जुलाई 2019 80% सीट आर रिजर्व फॉर फीमेल्स, यानी कि 80% फीमेल के लिए है और 20% मेल्स के लिए है। नो सेट स्कोर सब्सिक्वेंटली यूज्ड बाय एनी ऑफ एम्स फिलिंग ऑफ वैकेंसी फॉर पीरियड ऑफ 1 year। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो नो सेट जो आप क्वालिफाई करोगे वो 1 साल के लिए वैलिड रहने वाला है, लाइफ टाइम वैलिड नहीं रहने वाला है।
तो साथियों यह था एक इम्पोर्टेंट नर्सिंग वैकेंसी अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने ग्रुप्स में शेयर करें। मिलते हैं एक न्यू नर्सिंग वैकेंसी अपडेट के साथ, तब तक मस्त रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।